हेलो एवरीवन, दिस इज मदन मोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूं दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि मार्केट में जो इतना गिरावट है, क्या आपके लिए फायदेमंद है? देखो, 2008 में जो मार्केट गिरा था वो आपको सब पता है, आप सब जानते हो 2008 में कितना मार्केट ब्रेक हुआ था, कितने लोगों को 80% से लेकर 90% तक नुकसान हुआ था, और कई लोग 2008 के बाद बहुत ही पैसा बनाए थे। देखो, मार्केट अगर गिर रहा है तो कई लोगों को नुकसान होता है, लेकिन इस गिरे हुए मार्केट में अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। आप इसे ये मत समझो कि मार्केट गिर रहा है कि अब इससे रिटर्न नहीं ले सकते, आप इसे अपॉर्चुनिटी की तरह समझो। आप जब भी कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो आप ये सोचते हो कि कोई सस्ता सामान मिले, मान लो कि वो इतना महंगा मार्केट में है, मेरे को कम से कम सस्ता मिले। और जब आप 10 रुपये, 15 रुपये, आप कुछ भी सस्ता सामान लेके आते हो तो फिर अपने आप को बोलते हो कि चलो मेरे लिए तो सस्ता मिला है। और फिर जब मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो वही सामान जो आप 200 और 500 रुपए में लेके आते हो वो 1000 और 1200 रुपए में बिकने लगता है। तो आप फिर ये सोचते हो कि यार चलो मैं बच गया, मैंने पहले खरीद लिया। तो वैसे ही अगर आप कभी भी मार्केट में गिरावट दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि अब मार्केट गिर ही रही है यहाँ से, तो आपको खुश भी होना चाहिए अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो और आप मार्केट की इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो। देखो, एक जो इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी इन्वेस्ट है कर चुका है, जो बहुत ही ऊंचे दाम पे खरीद चुका है, एक जो इन्वेस्टर है जो अभी नया है, अभी इन्वेस्ट किया नहीं है, तो जो ऊंचे दाम पे इन्वेस्ट कर चुका है, अब मार्केट गिरने पे उसे टेंशन जरूर होगा और वाकई में उसे नुकसान बहुत होगा। लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, आप अभी इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। 2008 में आपको याद है जब मार्केट गिरा था, उसके बाद जो गिरावट के बाद जो मार्केट उठा था, लोगों ने 1.5 और 2 साल में पैसे 5 से 6 गुना बनाए थे। अपने पैसे को संभाल के रखना पड़ेगा और इस पैसे को सही टाइम में सही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक उठाओ और इन्वेस्टमेंट कर दो डायरेक्ट, क्योंकि मार्केट गिरी हुई है। और मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि हाँ यहाँ से मार्केट अब नहीं गिरेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी। कोई भी ऐसा रिसर्चर नहीं है, कोई भी ऐसा एनालाइजर नहीं है, कोई भी ऐसा फिनेंशियल गुरु नहीं है जो ये बता दे कि मार्केट यहाँ से ना अप जाने वाली है, अब यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बस इतना ही आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे इस गिरे हुए मार्केट में इसको अपना अपॉर्चुनिटी समझ के आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी के कि बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। देखोगे अगर इस 5 दिन में इतना ज़्यादा गिरावट है कि ये अपॉर्चुनिटी है कि अब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करें कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं और वो पूरा पैसा एक स्टॉक में डाल देना है? नहीं, मैं हमेशा एक आइडिया और स्ट्रेटजी बताता हूँ कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है। देखो दोस्तों, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 दिन में मार्केट में 2000 पॉइंट का गिरावट, वाकई में ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है। और आपको ये सोच रहे हो कि मार्केट गिर रहा है, तो कई लोगों का ऐसा है कि बिलीव जो है ना ख़त्म होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अब इस मार्केट से रिटर्न नहीं लिया जा सकता। देखो, मार्केट हर 5 और 10 साल में या तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है या फिर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। आपको सही टाइम पे क्लिक करना है। आप अगर सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दिए ना, तो 1-1.5 साल में आप पैसा क्या 3 से 4 गुना बना लोगे, जो कहीं आपको म्यूचुअल फंड और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको समझदारी से यहाँ पैर रखना है, आपको समझदारी से इन्वेस्ट करना है और आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। देखो, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो बहुत ही ऊपर और हाई प्राइस पे खरीद चुके हैं, उनके लिए थोड़ा टेंशन की बात है कि हाँ अब मार्केट में कैसे रिटर्न ले, क्योंकि अब तो ज़्यादा गिरने लगा है मार्केट, मार्केट में ज़्यादा गिरावट है। लेकिन आप भी धैर्य रखें, आपके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मार्केट जितना गिरेगी उससे दुगना कहीं उछाल मारेगी ऊपर की तरफ, तो आपको धैर्य रखना है। आप ये छोटे से मार्केट गिरावट में आप ये भी अपना धैर्य खोके और उसे भी ना बेच दे नुकसान पे। आपको थोड़ा टाइम देना है और आने वाले टाइम में जो आपका पैसा नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है उसमें आपको पॉजिटिव, वो भी ग्रीन में जो दिखेगा, वो आपको स्ट्रांग पॉजिटिव उसमें दिखेगा दोस्तों। तो आप भी ज्यादा परेशान ना हो, आपके लिए भी अच्छा संकेत आएगा।
जाएगा, लेकिन अभी नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, ऊंचे हाई प्राइस पे ले चुके हो, लेकिन अब क्या सोच रहे हो कि अब इस गिरावट के, मंदी के जो दौर हैं, इससे कैसे निपटा जाए। देखो, आपके पास अगर पैसा पड़ा हुआ है और अगर आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो बनाएं, स्टॉक्स के पोर्टफोलियो बनाएं और कुछ पैसा धीरे धीरे डालते रहें, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते रहें, मार्केट में गिरावट होती जाए और आप इन्वेस्ट करते जाओ। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा हो, और उसके साथ ही साथ जो आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो ऑलरेडी आपने पोर्टफोलियो बना के रखा है जिसमें आपको नेगेटिव दिख रहा है, वो भी आपको ग्रीन में दिखेगा। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनके लिए कैसे अपॉर्चुनिटी है, मैं ये भी बताता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं और आप उसे किस एंगल से ले रहे हो। देखो, अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, आप इसे मुनाफा की नज़र से देख रहे हो, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लो, मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ से आप इसे अपॉर्चुनिटी समझो और एक स्ट्रैटेजी बनाओ इस इन्वेस्टमेंट के लिए, और रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको। देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से स्टॉक है जिसमें भारी गिरावट है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न कौन कौन से स्टॉक में है, वो हम देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं इस पाँच दिन में, सबसे ज्यादा गिरावट किस स्टॉक में है। तो आप देख सकते हो यहां पे टाटा मोटर्स का गिरावट देख सकते हो, जो करंट प्राइस है 125 रुपए के करीब में है, और जो ये 24 तारीख को ये जो क्लोज हुआ था वो 150 रुपए के करीब में है। यहां पे देख सकते हो 16 से 17% का गिरावट। यहां पे आप इस स्टॉक को सोच रहे हो कि ये 16 से 17% गिर गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ये 16 से 17% रिटर्न देने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है। आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, लेकिन तरीके से, स्ट्रेटजी में बाद में बताऊंगा आपको। वहीं पे वेदांता का देखते हैं, तो वेदांता का जो करंट प्राइस चल रहा है 110 रुपए है, जबकि इसका जो 5 दिन पहले 24 तारीख को जो इसका क्लोजिंग प्राइस था 133 रुपए के करीब में। यहां आप देख सकते हो 16 से 17% का यहां गिरावट है सिर्फ 5 दिन में। वहीं पे चलो हिंडालको की बात करते हैं, 149 रुपए का प्राइस चल रहा है, अगर देखा जाए तो 24 तारीख को 180 रुपए के करीब में प्राइस था, 16 से 17% का गिरावट इस स्टॉक में भी देखा गया है 5 दिन के अंदर। गेल इंडिया की बात करें तो 116 रुपए में ट्रेड हो रहा था 24 तारीख को, आज इसका जो प्राइस है वो 99 रुपीस के करीब में है, 14 से 15% का गिरावट इस स्टॉक में देखा गया है 5 दिन में। वहीं पे इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात करें, 330 रुपए में ट्रेड हो रहा था 24 तारीख को, और आज जो इसका प्राइस है 284 रुपए है। यहां पे कहें तो 14 से 15% का गिरावट इस स्टॉक में देखा गया है। टाटा स्टील की बात करें, 415 रुपए का प्राइस था 24 तारीख को, 364 रुपए में ट्रेड कर रहा है, 12 से 13% का यहां पे गिरावट इसमें देखा गया है। बीपीसीएल की बात करें, 412 रुपए में अभी ट्रेड हो रहा है, जबकि 24 तारीख का जो प्राइस था 464 रुपए में, 11 से 12% का गिरावट इस स्टॉक में देखा गया है। चलिए एसबीआई की बात करते हैं, 24 तारीख को 322 रुपए में ट्रेड हो रहा था, आज जो इसका प्राइस है 287 रुपए के करीब में है, 11 से 12% का नेगेटिव रिटर्न जो है इसमें भी देखने को मिल रहा है, यहां भी गिरावट है। वहीं पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं, 513 रुपए में 24 तारीख का प्राइस था, आज इस शेयर का जो प्राइस है 458 रुपए, 10% का गिरावट इसमें 5 दिन के अंदर देखा गया है। यूपीएल की बात करें, 573 में 24 तारीख को ट्रेड हो रहा था, आज जो इसका प्राइस है 514 रुपए, देखा जाए तो 10 से 11% का गिरावट सिर्फ 5 दिन में देखा गया है। यस बैंक की बात करते हैं, यस बैंक पे मैं कभी आपको एडवाइस नहीं करूंगा अभी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे यस बैंक 34 रुपये ऑलमोस्ट 35 रुपये में ट्रेड हो रहा था यहाँ पे 24 तारीख को, आज इसका जो प्राइस है 31 रुपये में है। यहाँ अगर नेगेटिव रिटर्न देखे 5 दिन में 9 से 10% का गिरावट। विप्रो की बात करता हूँ, विप्रो 244 रुपये में ट्रेड हो रहा था, आज के दिन में 220 रुपये में ट्रेड हो रहा है। रिटर्न के मामले में देखें तो यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न 9 से 10% का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला है। चलो हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं, 2184 रुपये 24 तारीख को, आज के दिन में 1975 रुपये, 9 से 10% का गिरावट सिर्फ 5 दिन में। चलिए JSW स्टील की बात करते हैं, यहाँ पे 24 तारीख को 258 रुपये में ट्रेड हो रहा था 24 तारीख को, आज जो इसका प्राइस है 235 रुपये के करीब में है, 9 से 10% का गिरावट सिर्फ 5 दिन में। वहीं पे बजाज फिनांस की बात करते हैं, 4803 रुपये का जो 24 तारीख का प्राइस था, आज उसका प्राइस 4360 है। अगर देखा जाए तो 9 से 10% का गिरावट सिर्फ 5 दिन में,
टेक महिंद्रा की बात करते हैं, 744 रुपये में ट्रेड हो रहा आज, और इसका जो प्राइस था 24 तारीख को 820 रुपये, 9 से 10% का गिरावट सिर्फ 5 दिन में। ONGC की बात करते हैं, ONGC में भी 9 से 10% का गिरावट है सिर्फ 5 दिन में। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, 1444 रुपये में ट्रेड हो रहा था 24 तारीख को, आज ये 1316 रुपये का है, 8 से 9% का गिरावट सिर्फ 5 दिन में। डॉक्टर रेडिस लैब की बात करते हैं, 3176 रुपये का ट्रेड हो रहा था 24 तारीख को, आज इसका प्राइस 2905 रुपये है, यहाँ 8 से 9% का गिरावट डॉक्टर रेडिस लैब में देखा गया है 5 दिन में। LNT की बात करते हैं तो LNT में देख सकते हो 1259 रुपये, ऑलमोस्ट कहो 1260 रुपये का प्राइस था 24 तारीख को, आज इसका प्राइस 1160 रुपये है, ऑलमोस्ट 7 से 8% का यहाँ गिरावट सिर्फ 5 दिन में। तो आपने देख लिया स्टॉक्स में कितनी गिरावट है, देखा जाए तो 8 से लेकर 17% के बीच में गिरावट देखा गया है सिर्फ 5 दिन में। लेकिन ये आपका नज़रिया है, आप कैसे देखते हो, आप डर रहे हो स्टॉक से या फिर इसे आप अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो? अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो तो सही समझ रहे हो, क्योंकि गिरे हुए मार्केट में अगर आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपका रिटर्न आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगा। आप पूरा हिस्ट्री उठा कर देख लो, पिछले 25 और 30 साल में हिस्ट्री उठा के देख लो, जब जब मार्केट गिरी है तब तक मार्केट का जो उछाल है वो दुगने दुगने तेजी की तरफ बढ़ा है। तो इसीलिए मैं आपको ये स्टॉक्स इसलिए दिखाया हूँ कि ये जितना गिर रहा है उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन अब स्ट्रैटेजी कैसे यूज करें, क्या आप अपना पूरा पैसा उठा के किसी एक स्टॉक में पटक दें? नहीं, आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले पूरा पैसा स्टॉक में नहीं लगाना है, आप हमेशा एक पोर्टफोलियो बनाओ, एक सिलेक्शन सही स्टॉक्स का करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये लास्ट पॉइंट है, यहां से आप पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो, यहां अपना पूरा पैसा लमसम डाल दो और यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, धीरे धीरे पैसा डालें, धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, और आपको एक अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है और धीरे धीरे पैसा डालते रहें, 5 से 7 इंस्टॉलमेंट पे पैसा डालें और देखें आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखो मैं ये नहीं कहता कि आज आपने पैसे डालें और 2 दिन में रिटर्न मिल जाएंगे, हो सकता है 2 दिन बाद में आपको नेगेटिव रिटर्न भी दिखे, लेकिन हो सकता है अगले 1 महीने में बाद आपको यही स्टॉक्स आपको 10 से 12% का रिटर्न दे देंगे। तो आपके ऊपर है, आप इसे अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो या फिर मार्केट में गिरावट को देख के टेंशन लेके और इससे दूर भाग रहे हो। आप अपॉर्चुनिटी अगर ग्रैब करना चाहते हो तो यही सही है इन्वेस्टमेंट का तरीका, लेकिन आप तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। मैं आपको कभी राय नहीं दूंगा कि वैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करो जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। स्मॉल कैप स्टॉक से दूर रखो, मिड कैप स्टॉक से दूर रहो और फिर अपना इन्वेस्टमेंट करो। देखो दोस्तों, ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ये बहुत मैं सोच समझ के और बहुत मैं एनालाइज करके दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी मार्केट से बहुत डर रहे हो तो आप म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो। और म्यूचुअल फंड में यही टाइम है SIP के साथ चलो, अगर आप लमसम भी करना चाहते हो तो सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर आप वाकई में वो बोलते ना कि हाई रिस्क और हाई गेन वाला फंड अपनाना चाहते हो तो स्टॉक्स का सिलेक्शन करो और गिरे हुए मार्केट में पैसा लगा के आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न ले जाओ। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आए, आप किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, स्टॉक हो, IPO, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आप क्वेरी जनरेट कर सकते हो। और हाँ, अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।